बताऊं, जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा वाटरफॉल देख रहा हूँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू। सो गाइस, आज नेपाल में हमारा तीसरा दिन है। यहाँ से चेकआउट करेंगे इस होटल से, और यहाँ से हम लोग जाएंगे मनोकामना मंदिर, फिर उसके बाद जाएंगे पोखरा, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ से काफ़ी माउंटेन्स दिखते हैं। गाइस, अभी हम लोग यहाँ से बाकी सब तो बाहर है, लेकिन अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ। तो सुबह सुबह हम लोग अभी काठमांडू से निकल रहे हैं। बारिश हो रही है, मनोकामना की जर्नी यहाँ से हमारे स्टार्ट हो चुकी है शहर में। हमारे और अभी यहाँ से 158 किलोमीटर है मनोकामना टेम्पल। सो हरे भरे पहाड़ों और सड़कों से होते हुए हम निकल पड़े पोखरा की ओर। गाइस, अभी ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके हैं। अभी अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स या 40 किलोमीटर्स के आसपास होगा यहाँ से। गाइस, पता है काठमांडू से पोखरा के रास्ते में आपको बहुत सारे नदी, झरना, झील देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप ये देख लो, कितना सुंदर रिवर है ना। सामने बड़ी बड़ी पहाड़ और उस पे गाड़ियाँ और बगल में रिवर, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम ही मिलेगा देखने को। और ऐसी जगहों पे साथ में अच्छे दोस्त हो तो सोचो कितना मजा आता होगा। गाइस, जब भी आप काठमांडू आते हो और पोखरा जा रहे हो, तो काठमांडू से आप मॉर्निंग में ही निकलो पोखरा के लिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में आपको बहुत ही कूल नेचर देखने को मिलेगा और रास्ता फुल्ली नेचर से भरा हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग में ही निकलो काठमांडू से। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटरफॉल है पीछे, फर्स्ट वाटरफॉल इतना बड़ा मैंने देखा। बहुत ही नेचुरल वाटरफॉल है यहाँ का। शायद आप लोग को साउंड नहीं आ रही होगी, ग्रुप में ले भाई। यहाँ मस्त वाटरफॉल है यार। सही बताऊँ, जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा वाटरफॉल देख रहा हूँ, वो भी लाइव फर्स्ट टाइम। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वाटरफॉल में। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोग्राम है, नहाने का अगर होगा तो नहाएंगे। इस वाटरफॉल में यहाँ पे नहाए हैं, और ये जो पानी आप देख रहे हो उसी वाटरफॉल का है, और काफ़ी स्वादिष्ट पानी है, बहुत ही मीठा है। ऐसा लगता है जैसे कि इसमें मिनरल्स होता है ना, वो ऐड किया हुआ है। और हम लोगों ने वहाँ पे पानी भी पिया, और इस वाटरफॉल में बहुत ही अच्छा मस्त वाला नहाया। आप फोटोज इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये सब भी फुल सेट है। इधर हमारी गाड़ी, और चारों तरफ बस माउंटेन्स ही माउंटेन्स नज़र आ रही है, और पीछे वाटरफॉल। हेलो,
गाइज अभी हम लोग मनोकामना टेम्पल के पास आ चुके हैं और अभी पार्किंग में है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से केबल वायर जाती है, तो अभी जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं हमेशा घूमने के लिए। खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है। और हम लोग को जाना है वहाँ पे उस पर तीन पार्किंग फटती है, बता दो भाई। ऊंचाई फट नहीं पड़ती है, बस वो टूटे ना। यहाँ पे तो काफ़ी लंबी लाइन है टिकट की, काफ़ी भीड़ है लोगों की, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जगह तो खूबसूरत है ही। आप देख लीजिए ये है टिकट काउंटर। हमारे नवीन के लिए जा रहे हैं हमारे ब्लॉगर नवीन सक्सेना। आप देख सकते हैं प्राइस लिस्ट। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की जर्नी आप देखोगे नेक्स्ट एपिसोड में। गाइज ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है केवल कार स्टेशन, जो कि ऊपर मनकामना टेम्पल तक जाती है। तो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे मनकामना टेम्पल का कुछ सीन्स। सो गाइज वीडियो को यार लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।